बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर आयकर में। मैं सुमित राज, आज के वीडियो देखने वाले जो भी छात्र BSc सेकंड सेमेस्टर में है, मतलब कि जुलोजी और गोरखपुर का यूनिवर्सिटी का पेपर कर ले जुलोजी का, याद रखना रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद MCQ क्वेश्चन भी आएंगे। आपने हमारे PDF को डाउनलोड नहीं किया है, उसमें MCQ क्वेश्चनों को भी हमने दे रखा है, मतलब कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन जिसे बोलते हैं MCQ क्वेश्चन, जो आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उनके बिल्कुल आराम से वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे PDF से। आप PDF के नोट्स, हमारे जो नोट्स दे रखा है, आप उसमें नोट्स डाउनलोड करेंगे तो जो आपका लिखित परीक्षा होती है, जो आप देख रहे हैं इन क्वेश्चनों के आंसर भी वहां मिलेंगे और उनके साथ साथ आपके MCQ क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो लगभग 150 क्वेश्चन होंगे टोटल। अब आपके 40 क्वेश्चन बड़े आराम से वहां से, लगभग 35 क्वेश्चन फंस जाएंगे, 30 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से भाई फंसेंगे जो हमने आपको बताए। आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले पेपर हैकर एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, paperhacker.in, उस वेबसाइट पर आप जाइए, लिंक टच करिए, विजिट कर लीजिए वहां पे, ठीक है ना। वहां जब जाओगे, वेबसाइट पर पहुंचोगे, विजिट करोगे, उसके बाद में आपको वहां मिलेगा BSc सेकंड ईयर, एक होगा BSc सेकंड ईयर, एक होगा BSc सेकंड सेमेस्टर। आपका सेमेस्टर है तो सेमेस्टर वाले बटन पर टच करना है और आप देखेंगे कि आपके पास में वहां सारे लिंक मिल जाएंगे, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अलग अलग केमिस्ट्री की, जूलॉजी की, बॉटनी की, फिजिक्स की सभी वीडियो मिल जाएंगी वहां पे लिस्ट, और साथ ही साथ उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिल जाएगी, उनके लिंक मिल जाएंगे और नीचे उनके सारे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन मिल जाएंगे, सब कुछ आपको वहां प्रोवाइड करा रहे हैं। paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करने वाले हैं हम लोग, जो MCQ डाउनलोड और नोट्स पूरा डाउनलोड हो जाएगा, अब हम बात करेंगे कि आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कौन कौन से हैं, जो लगभग 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो भी करने होते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी पढ़ के जाएंगे, ठीक है, आज के रात में बस वही पढ़ना है, बाकी कुछ मत देखना, काम हो जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन जब करेंगे, पढ़ लेना कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% पेपर में छपेगा। जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है मोनोसैकेराइड, ऑलिसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, उसके महत्व को देख लेना, ठीक है, और उनके गुण को देख लेना, किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये पेपर में छपेगा क्वेश्चन। उसके बाद में हो सके लिपिड को छोड़ देना, लेकिन ये क्वेश्चन आपको प्रोटीन क्या होता है, उनके महत्व, और अमीनो अम्ल जो होते हैं 20 प्रकार के हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, बस कुछ नहीं पढ़ना और, ठीक है, इतना पढ़ना है। और एंजाइम को पढ़ लेना है, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के प्रकार, जैसे कोएंजाइम, आइसोएंजाइम, उपोएंजाइम, ये 3 प्रकार के एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कोएंजाइम पूछा जाता है, कोएंजाइम, और नामकरण जो होता है वो इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, नामकरण पद्धति होती है, निम्न कल्चर जिसे कह सकते हैं, और क्लासिफिकेशन, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो बाकी हम जो छुड़वाने का वो छुड़वा रहा हूं, जो इंपोर्टेंट है भाई बता रहा हूं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को देख लेना इसको, और ये देख जो क्रेप्स चक्र देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सिट्रस चक्र जो होता है, अम्ल चक्र इसको बोला जाता है। और विटामिन क्या होते हैं, विटामिन आप सभी जानते होंगे, कक्षा 9 से लेकर पढ़ते चले आ रहे हैं, विटामिन क्या होता है, विटामिन के प्रकार, विटामिन के स्रोत वगैरह, ये सब आप जानते हैं। विटामिन का क्या कार्य होता है बॉडी में, वो सब कुछ आप जानते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ATP का निर्माण क्या होता है, हमारे ATP का जब निर्माण हमारी बॉडी में होता है तो हमारी बॉडी क्या होती है बेटा, थकती नहीं है। यूरिया का निर्माण, यूरिया चक्र जिसे कहते हैं, वो आप देख लेना, यूरिया चक्र पढ़ के जाएंगे, ठीक है, जैविक महत्व को छोड़ देना इसके। और देखो ये वाला पढ़ के जाएंगे आप, ये भी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर बनाना है आपको पाचन तंत्र का, ठीक है। और इसके बाद में आपको ये पढ़ना है जो हमारा ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में कैसे होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है ब्लड के अंदर, वो आप देखेंगे। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हृदय की धड़कन, हृदय स्कंद बोलते हैं, इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, कंट्रोल के बारे में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका आता है रक्त एक सहजीवी ऊतक है, आपसे एक पूछता है कि रक्त क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये बार बार बनता है, इसको आप देखेंगे रक्त क्या है, रक्त एक सहजीवी ऊतक है, इसकी पुष्टि कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। रक्त स्कंदन, रक्त क्लोटिंग से बोलते हैं, रक्त का थक्का जमना जिसे बोला जाता है, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में हो सके तो ये वाला पढ़ लेना, नेफ्रॉन को छोड़ देना, ये मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। ये सारे हम 9th से लेकर अब तक पढ़ते चले आए हैं, 9th में, 10th में, 12th में सब आप पढ़ते चले आए। अब आप BSc फर्स्ट ईयर में आ गए तो भी आपको ये सब कुछ वही देखने को मिल रहा है जो अपने बचपन से पढ़ा, पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। आपातकालीन हार्मोन को 3 देखो 3F हार्मोन्स भी बोलते हैं जैसे आपातकालीन को, ठीक है, इसको आप देख लेना। लार ग्रंथि तो आप जानते होंगे, लारों के बारे में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना, जो माल को स्टार्च में बदल देती है, उसके बारे में देख लेना। लैंगरहांस की दुपिकाएं, ये सब आपको पता होगा, लैंगरहांस की दुपिकाओं के बारे में, अग्न्याशय में पाई जाती हैं लैंगरहांस की दुपिकाएं, है ना, ठीक है।
इंसुलिन कमी इसी से हो जाती है, इंसुलिन कमी से ठीक है लैंगोनियंस की दुविधा का कारण हो जाता है। और ये पेशी ऊतक आ गया हमारा, ये नर्वस सिस्टम होगा, न्यूट्रॉन को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, हो सके तो पेशी ऊतक को पढ़ लेना, बस इतना ही पढ़ना, फालतू मत पढ़ो, बाकी जो मैंने ऊपर बताया वही पढ़ लोगे तो ही काम हो जाएगा ठीक है। जो जो मैंने आपके बॉक्स में बंद किए थे वही पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बाकी जो आपके 40 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन जो करने के लिए आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग में ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन ठीक है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी वालों याद रखना, आपको सिर्फ उनको हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले paperhacker.in वेबसाइट है उसका लिंक दे रखा है, उस पर जाकर बीएससी सेकंड सेमेस्टर पर टच करना है, एक बटन होगा बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, नीचे जाओगे तो उस पर टच करने के बाद में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ओके।